हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ सुंदर सर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में विशेष क्या है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्जुगेटिव वर्ब्स। कॉन्जुगेटिव वर्ब्स, अब सबसे बड़ी बात है कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कॉन्जुगेटिव वर्ब्स जो है वो क्या होती है, और इनका हमने जो ट्रांसलेशन में या फिर जो हमने रिटन में या फिर स्पोकन में हमें इनका यूज कहाँ और कैसे करते हैं, और कौन सी ऐसी वर्ब्स होती है, और किस प्रकार से हम इन वर्ब्स का प्रयोग हमारे आम कम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारे इस वीडियो का पार्ट वन है। इसका सेकेंड पार्ट देखना मत भूलिए। और दो पार्ट्स के अंदर जो है आपको ये वीडियो बहुत ही रेयर वीडियो है, बहुत ही कम जो है इसके बारे में हमें जानने को मिलता है कि कॉन्जुगेटिव वर्ब्स क्या होती है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये वर्ब्स क्या होती है और इनका हमने किस प्रकार से यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जैसे कि आमतौर पे मेरी कोई भी वीडियोज होती है उनमें जो है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है, तो इस वीडियो के अंदर भी आपको लास्ट में मिलेगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो उसे भी आप देखना मत भूलिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। सबसे पहली बात होती है हमारी कॉन्जुगेटिव वर्ब्स की। कॉन्जुगेटिव वर्ब्स होती क्या है? कॉज, कारण, ठीक है। तो यहां जैसे जब कोई भी सब्जेक्ट किसी अन्य से कार्य करवाता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो सब्जेक्ट भी कोई लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, तो इस प्रकार के जब कोई भी चीज सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, तो इस प्रकार जो वर्ब यूज की जाती है उनको हम कॉन्जुगेटिव वर्ब्स का कहते हैं, और उनका हमने यूज कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो बेसिकली स्ट्रक्चर जो होती है इस प्रकार के सेंटेंस की, वो चार स्ट्रक्चर्स होती है। दो स्ट्रक्चर में आपको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और लास्ट की दो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको जानने को मिलेगी। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं हमारा, अगर स्ट्रक्चर वन की बात करते हैं, सबसे पहली स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है। तो देखिए, जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हो तो कौन सी स्ट्रक्चर का आपने यूज करनी होती है, तो इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आपने मेक, मेड, विल मेक, यानी कि ये क्या है, ये तीन मैंने क्यों लिखे हैं, यानी ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपका सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो आपने टेंस के हिसाब से आपने मेक, मेड या फिर विल मेक का प्रयोग आपने करना है, यूज करना है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद ध्यान रखना है, उसके बाद आपने इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, वो भी कौन सा इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव या फिर इन्फिनिटिव विदाउट टू जिसको हम बोलते हैं, वो हमने यूज करना होता है। ये आपको पता है कि इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं विदाउट टू। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी। चलिए हम इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग के अंदर। अब देखिए, जैसे हमने मैंने कहा मैं राम को हंसाता हूं, अब इसमें देखिए हालांकि सब्जेक्ट तो है मैं, लेकिन सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे से काम करवा रहा। यहां क्या है कि मैं राम को हंसाता हूं, हंसने का काम इसमें राम कर रहा है, लेकिन मैं उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो है इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक्शन बीइंग टेकन बाय द समवन अदर्स। तो अब इसमें देखिए, ये हमारा प्रेजेंट का टेंस है, तो यहां देखिए क्या बन गया आई, ये तो सब्जेक्ट था हमारा आई, उसके बाद हमने प्रेजेंट था तो हमने ले लिया मेक, उसके बाद हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट क्या है इसमें राम को हंसा रहा हूं, तो राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये इन्फिनिटिव है आपका बेयर इन्फिनिटिव लाफ, आई मेक राम लाफ। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने घोड़े को चलाया, यह पास्ट टेंस का वाक्य है। अब इसमें क्या है, चलाने वाला कौन था, मैं, लेकिन चला कौन, एक्शन रियल में एक्शन किसने किया, घोड़े ने। तो यही कॉन्जुगेटिव वर्ब्स कहलाती है, इन्हीं वर्ब्स को हम कॉन्जुगेटिव वर्ब्स कहते हैं। देखिए जैसे
आई वो स्ट्रक्चर है, यहाँ मेड था तो या प्रास्ट हो गया तो यहाँ मेड हो गया, आई मेड। अब सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट किस में क्या है, घोड़ा, तो यहाँ हो गया हॉर्स रन, आई मेड हॉर्स रन, ये पास्ट टेंस हो गया। देखिए तीसरा, मैं घर बनवाऊंगा, फ्यूचर टेंस हो गया, कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा बल्कि किसी के द्वारा करवाएगा, तो सेम वही हमारे पास है, कॉज है, प्रेरणात्मक जिसको हम कह सकते हैं, प्रेरणात्मक क्रियाएं भी इनको हम कहते हैं, कि किसी के दूसरे को प्रेरणा देके किसी दूसरे से हम काम करवाते हैं, तो इस प्रकार की वर्ब्स। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, आई और यहां पर आपने वही है विल, फ्यूचर हो गया तो आई मेक, आई मेक, और उस पर वही सब्जेक्ट है हमारा हॉर्स, बिल्ड वही हमारे इन्फिनिटिव वर्ब का यूज है। तो स्टूडेंट ये था हमारा स्ट्रक्चर वन, उम्मीद करता हूं स्ट्रक्चर वन आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर दो की, स्टूडेंट स्ट्रक्चर दो कि इसकी जो कॉजेटिव वर्ब की स्ट्रक्चर दो है वो क्या है और इसमें क्या विशेष बातें हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना, देखिए इजेमआर यानी अगर प्रेजेंट टेंस है तो इजेमआर, पास्ट है तो हमारे पास वॉज वर, और फ्यूचर है तो शैल बी और विल बी का यूज करना है। इन तीनों में से कोई भी एक टेंस के हिसाब से आपने जो वर्ब है वो हमने पुट करनी है। उसके बाद क्या आएगा इसमें मेड, अब देखिए यहां पर क्या था मेक और मेड तीनों ऑप्शन थे बट यहां पर क्या है मेड, क्यों आए मेड, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर टू जो है ये स्ट्रक्चर टू हमारी जो डिक्लेयर करती है किस चीज को, पैसिव वॉइस को, और आपको पता है पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हम पास्ट फॉर्म दो वर्ब के लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं मेड, और उसके बाद यहां देखिए यहां पर भी इन्फिनिटिव है बट यहां जो इन्फिनिटिव यूज होगा वो कौन सा होगा, विद टू, यानी टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। ये चीज आपको मैंने पहले भी बताई है चीजें कि टू इन्फिनिटिव यानी कि अगर कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती है हमारे जिनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, लेकिन अगर वही वर्ब अगर पैसिव वॉइस में यूज की जाती है तो उनके साथ हम हमेशा ही टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो इसके चलिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल इसे उसे हंसाया जाता है, अब देखिए ये क्या है, यहां पर भी क्या है, ये वाक्य किस प्रकार का हो गया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये वाक्य क्या है पैसिव वॉइस का है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए पहले सब्जेक्ट है तो यहां हमने सब्जेक्ट ले लिया ही, अब ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां हमने इज ले लिया ही इज, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास मेड ही इज मेड, और उसके बाद क्या है टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है टू लाफ, ही इज मेड टू लाफ, उसे हंसाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, कठपुतली नचाई गई यानी गई पास्ट टेंस है, टेंस हमारा क्लियर हो गया कि टेंस हमारा पास्ट हो गया, कठपुतली नचाई गई या कठपुतली को नचाया गया मींस नचाई गई, पास्ट पैसिव वॉइस में हो गया। अब इसके अंदर भी जो सब्जेक्ट है वो क्या है पपेट, हमारे पास सब्जेक्ट है पपेट है, अब क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो इसमें क्या आ जाएगा वॉज या वर का यूज हो गया, पपेट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां हमारे पास वॉज आ गया, पपेट वॉज, और फिर हमारे पास वही मेड का यूज करना है मेड, और हमारे पास इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में क्या है इसमें नचाना तो क्या आ जाएगा इसमें टू डांस, तो इसमें हो जाए द पपेट वॉज मेड डांस। तो इस प्रकार से यानी जैसे कार चलाई गई द कार वॉज मेड टू रन, तो इस प्रकार से हमने इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल इसका फ्यूचर का है वो देखिए उसे नहलाया जाएगा, उसे नहलाया जाएगा किसी के द्वारा किया जाएगा, तो मैं ये भी हमारे सेंस क्या है पैसिव वॉइस है, तो इसमें भी देखिए फ्यूचर का वाक्य है ये तो इसमें भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा शैल बी या विल बी, तो यहाँ थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हमने विल लगा देंगे ही विल बी, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी ही विल बी, और उसके बाद क्या है वही मेड का, हमारे देखा कि तीनों में मेड आया है, ये मेड की जगह क्यों, क्योंकि वाक्य है पैसिव वॉइस के, तीनों पैसिव वॉइस में आपको पता है कि थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर मेड आ जाएगा, और फिर आगे वही टू बाथ यानी कि जो सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस के हैं सॉरी इसमें टू इन्फिनिटिव का हमने यूज कर देना इसमें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो हमने एक कुछ एग्जांपल्स लिए हैं टू स्टेप्स जो इसकी टू स्ट्रक्चर्स है उनका हमने एक एग्जांपल के जरिए हमने इसका विश्लेषण किया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस प्रकार से इस वीडियो में कि मैंने किस प्रकार से जो है कॉन्जेक्यूटिव वर्ब्स पार्ट वन के तहत
आज मैंने आपको दो स्ट्रक्चर इसके करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने करवाया वो आपको समझ में आएगा और इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखना मत भूलिए, वो सेंटेंसेज आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से लगातार आप मेरे साथ बने रहेंगे और नए नए टॉपिक्स के साथ। मैं हर बार आपके लिए कोशिश करता हूं कि कुछ नए और कुछ यूनिक टॉपिक्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं। और इसी कड़ी में जो है मैंने आज जो ये टॉपिक चुना है, बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है। बहुत कम स्टूडेंट्स को इन कॉन्जिक्यूटिव वर्ब्स के बारे में नॉलेज होती है। तो इस उम्मीद के साथ ये लेसन आपको पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ अवश्य जुड़ेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।